हेलो गाइस, स्टार्ट करते अपना वीडियो। बिल्कुल ही नया शेयर है, नाम में गड़बड़ नहीं होना है। इसका नाम है जोसील, JOCIL। ये शेयर के चर्चे होते नहीं, पर मेरे हिसाब से ये शेयर बहुत बढ़िया है और इसमें अभी होने जा रहा है ब्रेकआउट। ऑलमोस्ट 10 ईयर का ब्रेकआउट होने जा रहा है ये शेयर में। आज के दिन 20% का अपर सर्किट लगा और ये बिल्कुल ब्रेकआउट पे आके खड़ा है। यहाँ आप देख सकते हो चार्ट पे, ये 2010 में 2010 में इसने एक हाई बनाया, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर ऊपर गया, वही इसी लेवल के आसपास इसमें कंसोलिडेशन होता रहा, 225 से लेके 250 के बीच में। तो ये अभी इसके बाद 2016 में इसने एक पीक बनाया, फिर नीचे आया, कोरोना आया तो और नीचे आया। उसके बाद कोरोना से रिकवरी होने के बाद रिकवरी तो बहुत बढ़िया दिखाई, पर यही लेवल के आसपास से ये फिर से नीचे गया। और अभी जो ब्रेकआउट हुआ है वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, इसमें बहुत तगड़ा वॉल्यूम हुआ है और ये ब्रेकआउट पे है। पूरे 10 साल का ब्रेकआउट है। पहले हम कंपनी के फंडामेंटल देखते, फिर डिसाइड करेंगे एड में कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। कंपनी देखो, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो कैप है, 174 करोड़ की कंपनी। जोसील इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेरिक एसिड, फैटी एसिड, सोप नूडल्स, टॉयलेट सोप, ग्लिसरीन एंड इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम डेली यूज़ वाले हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये चीज़ों का, पर ये कंपनी छोटी है अभी, 174 करोड़ की कंपनी। सबसे मेन बात, कंपनी ने कर्जा कम किया, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.89 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है, 22.97% का डिविडेंड कंपनी देती है। अभी मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल लास्ट नंबर पे ही आने वाली है, क्योंकि बाकी कंपनियों के मतलब पीडीलाइट के देखा जाए तो बहुत ऊपर है मार्केट कैप, तो मार्केट कैप के हिसाब से लास्ट नंबर पर। सेल्स देखो, 121 करोड़ से 141, फिर 154, 114, फिर 154 अगेन। तो सेल्स बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रहे हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है। सेल्स सेल्स इनके इंक्रीज होते जा रही है, 341 से 402, फिर 446, फिर 565 करोड़ के इनके सेल्स है। इसके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 करोड़ का बढ़ के 19 करोड़, फिर 21 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है कंपनी का। सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में 187 करोड़ के आपके पास रिजर्व से, और बोरोइंग सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ की है। आने वाले क्वार्टर में कंपनी कर्जा मुक्त भी हो सकती है। अगर देखा जाए तो कंपनी ये 2 करोड़ भी कर्जा निकाल देगी और कर्जा मुक्त कंपनी होगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न इन्होंने अभी तक दिखाया नहीं है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये कंपनी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे न्यूज में आएगी, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शो हो जाएगा। कंपनी बहुत बढ़िया है। अभी अगर इसने अभी तक कितने रिटर्न दिए वो देखना होगा, तो आप देख सकते हो 3 मंथ्स में 39% के रिटर्न दे चुकी है, 1 ईयर में 44%, 1 मंथ में 23, 1 वीक में 14, और आज के दिन में ऑलमोस्ट 20% का इसको अपर सर्किट लगा। तो कंपनी बहुत बढ़िया है, मार्च क्वार्टर भी इनके अच्छे रहे। कंपनी के अगर इसका कंपेयर किया जाए तो इनके साथ कंपटीशन में BASF इंडिया, बालाजी अमाइंस, बड़ी बड़ी कंपनी है। तो ये कंपनी ऑब्वियसली अभी बहुत छोटी है, पर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छी लग रही है। हाँ, प्रमोटर ये देखो, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है, हम एक बार चेक कर लेते। जोसील ही देख रहे हम, JOS या जोसील ही देख रहे हम लोग। देखो यहाँ पे प्रमोटर के पास 55% है, एक भी शेयर प्लेज नहीं है, FIIs होल्ड नहीं करते। अदर्स के पास 44.98% है। तो प्रमोटर और पब्लिक मिलके ये कंपनी चला रहे। इनका अगर चेयरमैन देखा जाए तो पी नरेंद्रनाथ चौधरी इनके चेयरमैन है। इनका नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो भी आप सर्च कर सकते हो इनका नाम, मैंने सुना है इसके पहले भी। तो जोसील का क्या है, एक्चुअली 1978 की कंपनी, द स्मॉल कैप कंपनी हैविंग मार्केट कैप ऑफ 208 करोड़, ऑपरेटिंग इन केमिकल सेक्टर। इनका जो भी आता है सेगमेंट्स, वो फैटी एसिड, सोप प्रोडक्ट्स, बायोमास, इन पावर प्लांट, प्रोसेसिंग चार्जेस, विंड पावर, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन गैस एंड ड्यूटी ड्रॉबैक्स ऑफ द ईयर 31 2020। तो इन्होंने एक छोटी सी जानकारी दिया अबाउट जोसिल।
सबसे मेन बात इसमें आज के दिन में तो ऊपर सर्किट लग गया, आप देख सकते हो पूरा अपर सर्किट लगा, फिर खुला, फिर लगा, फिर खुला, फिर एंड में जाके अपर सर्किट पे ये शेयर फ्रीज हुआ है। अब इसमें जो ब्रेकआउट होने जा रहा है वो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूं मैं उस ब्रेकआउट में, क्योंकि आप देख सकते हो अगर मैं नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूं यहां से, ये लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, एक ये लाइन हो गई 234 की लाइन हो गई, क्योंकि 234 क्यों की मैंने ये लाइन, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ एक रिजेक्शन फेस किया, यहाँ रिजेक्शन आया, यहाँ एक रिजेक्शन, 3 बार रिजेक्शन आया, और ये लास्ट टाइम फोर्थ टाइम यहाँ पे अटेम्प्ट किया था पर वहां तक गया ही नहीं था, इस बार उसके आसपास गया है। तो ये हमारी एक लाइन हो गई। दूसरी हम चार्ट चेक में देखेंगे, ये कैंडल सेम बनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है ये और ये सेम कैंडल बनी है, तो आज तो उसको 225 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, 234 की क्लोजिंग ऑलमोस्ट हो गई इसकी। तो हमें क्या देखना है, ये शेयर कब 236 का लेवल तोड़ेगा, और 236 का लेवल तोड़ने के बाद जब ये शेयर ये लेवल तोड़ेगा 248 का, 248 का लेवल टूटने के बाद ये 10 साल का ब्रेकआउट होगा, 10 साल का ब्रेकआउट ये शेयर को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो पोजीशन बनाना रिस्की भी होगा और रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा भी मिल सकता है। अभी कैसे, 234 पे ट्रेड कर रहा है समझो, मार्केट मंडे के दिन नॉर्मल खुला, उसके बाद आप इसमें 225 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 10 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रिस्क होगी, एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलना है या नहीं चलना है, क्योंकि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस से रिवॉर्ड आपको बहुत भारी मिलेगा। ये होल्ड करने लायक शेयर है, इसे होल्ड करके चलो, सीएनसी में लेना है, इंट्राडे भी कर सकते हो, पर इंट्राडे में मैं सजेस्ट करूंगा 225 का ही स्टॉप लॉस रखना है और इसे लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है। अगर ये लेवल टूट गई 248 के लेवल के ऊपर अगर जो सेल निकला तो ये आराम से 300 तक जाएगा, 300 के बाद हम रिव्यू करेंगे कि इनकी जो डिलीवरी परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज वो कैसे बढ़े, फिर हम डिसाइड करेंगे वहां पे कि इसको कितने देर तक रखना है। पर 300 के लिए इसमें पोजीशन बिल्कुल बनाई जा सकती है। जोसील ये शेयर आने वाले टाइम में आपको अच्छा परफॉर्म करते दिखेगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। आज के दिन अगर एनएससी पे देखा जाए तो नॉर्मल ये शेयर में इतनी कुछ डिलीवरी नहीं उठाई, 24% डिलीवरी है, टोटल 3,69,900, तो 3,70,000 शेयर इसमें डिलीवरी में उठाई आज के दिन में, और 40 पॉइंट से ऑलमोस्ट आज के दिन में अप हुआ है ये शेयर। तो जिन्होंने आज पोजीशन ली उन्होंने भी 225 का स्टॉप लॉस, और जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है उनका भी 225 के स्टॉप लॉस से इसमें पोजीशन होल्ड रख सकते हो। ये शेयर बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड मैच कर रहा है और ब्रेकआउट पे खड़ा है। ये रहा एनालिसिस, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।